मैं अभी भी देख रहा हूँ गाजीपुर कचहरी से कुछ अधिवक्तागण आए हैं इस कालीबाग कब्रस्तान में अपने अकीदत का फूल और फातिहा पढ़ने के लिए। मैं ख़ुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे आए हैं, क्या सिलसिले में, क्या पैगाम है। हम लोग जो है इस अध्यक्ष हैं सिविल बार एसोसिएशन के। हमने जो है मृतक आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर आया हूँ और उनके घर मिल करके शांति के लिए प्रार्थना ईश्वर से करेंगे। नाम क्या आपका है? मेरा नाम गोपाल जिला श्रीवास्तव है। गोपाल जिला श्रीवास्तव। गोपाल श्रीवास्तव जी। गोपाल जिला श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं सिविल बार के। आपके नाम? हमारा नाम मोहम्मद तारिक सिद्दीकी है। हम सिविल बार संघ के पूर्व महासचिव हैं और हम सब लोग मरमाहत हैं और गरीबों के मसीहा। पूर्व विधायक, 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के मज़ार पर फातिहा पढ़ने आए हैं और उनके घर जा कर के हम लोग ताज़ियत पेश करेंगे, शोक प्रस्तुत करेंगे। और पूरे सिविल बार ही मरमाहत है, पूरी कचहरी मरमाहत है, आम जनता के साथ साथ हम सब लोग मरमाहत हैं। राम प्रताप सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष सिविल बार संघ गाजीपुर। हम लोग इनकी अचानक मृत्यु पर बहुत गहरा शोक है, और शोक व्यक्त करने आए हैं। क्या बोलेगा आपका? अशोक कुमार भारती, पूर्व महासचिव सिविल बार संघ गाजीपुर। आज हम इस कब्रिस्तान में मुख्तार जी के जो निर्मम हत्या हो गई है उसके बाबत हम लोग शरीक हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। योगेंद्र यादव है। अच्छा। रामविलास यादव वरिष्ठ अधिवक्ता के जूनियर हैं। आपका? रामविलास यादव। अच्छा। एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, डीएम महोदय इसी गेट पे खड़ी होकर करके जो कह रही थी कि जनाजे की नमाज में या अंतिम संस्कृति में जाने के लिए परमिशन की बात कर रही थी, मैं आज अध्यक्षता में जानना चाहता हूँ कि क्या लीगल है ये कि कोई अंतिम करने के लिए, आखिर दर्शन करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा किसी लोगों को? अंत्येष्टि वगैरह के लिए तो परमिशन की हमारे समझ से नहीं व्यवस्था होती है, कोई भी भाग ले सकता है और जा सकता है। प्रोग्राम है बेटा? पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, मिट्टी में के लिए सब लोग समर्पित थे, दे सकते थे, इसमें कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनको रोका जाए। आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि किसी की अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए, जनाजा में मिट्टी देने के लिए कभी किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं हुई है और यहाँ पर कोई धारा 144 लागू नहीं होती है, न ही कोई चुनावी कार्यक्रम था। गम में शरीफ होने लोग आए थे और गम में शरीफ होने वालों की संख्या नहीं आती, लाखों में हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, जो जितना चाहने वाले हैं वो सब आकर के मिट्टी दे सकते हैं, यही माना गया है, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। देखा आपने, सही मानों में यही है कि गम में शरीक होने के लिए या किसी भी इसमें काम करने के लिए, आखिरी साफ सुथरे ने कहा कि गम 2 लोगों का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, इतना संबंध है। यकीनन गम यहाँ काफ़ी था, ये पूरा यहाँ से करके वहाँ तक पूरा सड़क पे लोग थे और उधर जनाजे की नमाज में भी करीब 1 लाख लोग थे, तो करीब 2 लाख की संख्या थी यहाँ पे लोग मिट्टी देने वालों की, गम बनाने वालों की। ये हालात हैं। आप सब गाजीपुर के सिविल वार एसोसिएशन से आए हैं मुख्तार अंसारी के आत्मा की शांति के लिए। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।